रीजनिंग में जो मेन क्वेश्चंस हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उनमें से एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में चले जाइए ये जरूर मिलेंगे आपको। अब यहां देखिए यह है आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 का क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा गया कि एसीई को 35 लिख सकते हैं, एसीई को हम 35 लिख सकते हैं। अब बच्चों ए का जो प्लेस वैल्यू है वो 1 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। अब जब भी आपको ऐसे अल्फाबेट दे और उसके आगे कुछ कोड बना के दे दे तो आप बात को समझे, वहां हमेशा उनकी प्लेस वैल्यू से आप उत्तर निकाल सकते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ये अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है। अब 1, 3, 5 को यूज करके मुझे 35 बनाना है, बात को समझिए, बड़ी संख्या बनानी है। मेरे पास छोटी छोटी तीन संख्याएं हैं और मुझे बनानी है एक बड़ी संख्या 35। तो अब इन तीनों की गुणा कर सकते हैं, गुणा से बड़ी संख्या मिलती है, या फिर वर्गों से बड़ी संख्या मिलती है, घनों से और थोड़ी बड़ी मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है, थोड़ी सी बड़ी संख्या तो मेरे को लगता है वर्गों से मिल जाएगी। तो 1 का वर्ग 8, 3 का वर्ग 9 और 5 का 25। 25 और 10 कितना होता है बच्चों, 35 होता है। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि इसके अंदर इसने क्या लॉजिक फिट किया हुआ है। अब केयर को देख लेते हैं, उसी चीज को हम यहां अप्लाई करेंगे जो अभी हमने निकाला। सी कितने नंबर पे होता है बच्चों, 3 पे, तो 3 का वर्ग चाहिए, 9 हो गया। फिर ए 1 पे होता है, 1 का वर्ग। आर 18 पे होता है तो 324 हो गया बच्चों, और ई 5 होता है तो 25 हो गया। अब आप देखें 5, 4, 9, 10, 9, 19, 2, 2, 4, 5 और 359 क्या ऑप्शन में मौजूद है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।